हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI। विज्ञापन संख्या है 9/2024-25। पदों का विवरण है एग्जेक्टिव सेल्स और ऑपरेशंस। ESO के पदों हेतु वर्ष 2024 की रिक्तियों के तहत उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 640। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 448 पद, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 94 पद, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 127 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 231 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 पद और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 40 पद आरक्षित है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबंधित विषयों में स्नातक पास होना चाहिए और उम्मीदवार कंप्यूटर के क्षेत्र में दक्षता रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार ने न्यूनतम 20 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु इन पदों के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग उम्मीदवारों को 250 रुपये और अन्य सभी वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 1050 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और ये आवेदन शुल्क उम्मीदवार को ऑनलाइन माध्यम से देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 7/2024 से आरंभ होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 16/2024 निर्धारित की गई है। पदों के लिए लिखित परीक्षा 1/2024 को जो संभावित तिथि है ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को प्रथम वर्ष में ₹29,000 और द्वितीय वर्ष में ₹31,000 मासिक वेतनमान दिया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो के संदर्भ में कोई भी किसी तरह की आशंका है तो आप अपने मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। ये फेसबुक आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप हमें मैसेज कीजिए। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और दूसरों के साथ में वीडियोस को शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी है खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।